हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप खरवर एंड आज हम बात करने वाले हैं फोर्ट की न्यूली लॉन्च हुई फोर्ट एंडेवर स्पोर्ट एडिशन के बारे में। सो कीप सब्सक्राइब एंड लेट्स कीप गोइंग। फ्रंट से देखे तो हमें यहाँ पे कन्वेंशनली क्रोम ग्रिल देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे हमें ब्लैक कलर की वेरी स्पॉटी ग्रिल देखने को मिलती है। सेकंड थिंग की बम्पर, जो बम्पर है उसके ऊपर हमें जो सिल्वर पैटर्न देखने को मिलती थी वो भी ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। एयर डैम भी हमें ब्लैक आउट देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमें फॉग लैंप्स एंड जो हेड लैंप्स है उसकी हाउसिंग भी ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। साइड पोर्शन पे देखें तो जो एंडेवर की बैजिंग थी वो अभी सिल्वर के बदले ब्लैक कलर में दी गई है। साइड पे हम देखें तो यहाँ पे हमें रूफ रेस भी ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। ओवर व्हील्स भी हमें ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं, विच लुक्स वेरी गुड। सबसे बड़े चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे हमें व्हील्स में देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही रगेड 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, विच हेल्प्स अस इन ऑफ रोडिंग। ऑलरेडी ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ आती है, बट एक स्पोर्ट मॉडल के साथ एक और खूबी गाड़ी में बढ़ गई है। अगर आपने हमारा ऑफ रोडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमें फुट स्टेप भी ब्लैक कलर का रबरी फिनिश में देखने को मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ऊंची है तो नॉर्मल बंदों को ये गाड़ी में बैठने के लिए ये फुट स्टेप की जरूरत पड़ेगी, एंड वो भी रबराइज है तो ग्रिप भी बहुत अच्छी है। एंड साइड पे ही हमें यहाँ पे स्पोर्ट की स्टिकर देखने को मिल जाती है, बट डोर हैंडल्स हमें क्रोम फिनिश में ही देखने को मिलते हैं। ओवरऑल द साइड पोर्शन इज द फुल्ली ब्लैक अनलेस द हैंडल बार्स। अब बात करते हैं रियर सेक्शन की, तो रियर सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एंडेवर का एम्बलम एम्बोस किया हुआ था वो अभी हमें क्रोम के बदले ब्लैक आउट देखने को मिलता है, विच लुक्स वेरी मस्कुलर एंड स्पोर्टी। अगेन हमें बूट के बाहर एक रबर आइस मैट देखने को मिलता है कि जिससे हम अगर गाड़ी में सामान रखते हैं तो कोई भी स्क्रैच बम्पर में ना आए। उसके अलावा यहाँ पे हमें स्पोर्ट की स्टिकर, फोर व्हील ड्राइव का एम्बलम और नीचे जो सिल्वर पैटर्न थी वो हमें ब्लैकआउट देखने को मिलती है, एज वेल एज द फॉग लैंप्स आर प्रोवाइडेड देयर। एंड यहाँ पे हमें फोर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं विथ ब्लैक स्किड प्लेट्स। अगर हम टॉप पे देखें तो हमें वहाँ पे एक ब्लैकआउट एंटेना भी देखने को मिलता है, तो ओवरऑल गाड़ी में पूरा ब्लैक फिनिश देखने को हमें मिलता है कि जिससे एक रगेड लुक गाड़ी को दिया जा सके। अगर इंटीरियर की बात करें तो पहले जो गाड़ी में इंटीरियर्स आते थे बेज कलर की सीट्स एंड पियानो ब्लैक डैशबोर्ड, वही सेम थीम यहाँ पे यूज़ की गई है। एंड जो रूफ की बात करें वो भी ब्लैक पहले दी गई थी, सो इंटीरियर में कोई खास चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्ड एंडेवर। ये गाड़ी 22 सितंबर का लॉन्च होगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 1 लाख ज़्यादा होगा रेगुलर वर्जन के मुकाबले, और ये गाड़ी सिर्फ हमें, मतलब स्पोर्ट एडिशन सिर्फ हमें फोर व्हील ड्राइव के ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमें ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी है, आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड कल ये गाड़ी का साउंड टेस्ट भी हम लेके आ रहे हैं।